हाटपिया उपचुनाव में भी भाजपा चुनाव प्रचार में आगे रही तो निकाय चुनाव के लिए भी जमीनी काम शुरू हुआ। शहर में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी व विधायक श्रीमंत गायत्री अजय पवार के हाथों। हाटपिया विधानसभा उपचुनाव में जब कांग्रेस अपना प्रत्याशी तय ही नहीं कर पाई थी उससे कई महीने पहले ही भाजपा ने मनोज चौधरी को फोकस करते हुए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। परिणाम सभी के सामने है। हाटपिया विधानसभा में देवास विधायक श्रीमंत गायत्री अजय पवार के नेतृत्व में भाजपा ने विजय हासिल की और अब निकाय चुनाव में भी देरी नहीं है। ऐसे में वही रणनीति निकाय चुनाव के लिए भी अपनाई जा रही है। भाजपा ने अभी से सभी वार्डों में विकास कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण आदि की गति को तेज कर दिया है। आज भी शहर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण व निरीक्षण विधायक गायत्री अजय पवार, पूर्व महापौर सुभाष शर्मा, विधायक प्रतिनिधि रवि जैन आदि की उपस्थिति में हुआ। आज वार्ड क्रमांक 1, 3, 6, 7, 10, 27, 28 और 31 में कुल 14 विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया जिनकी लागत 1,23,01,97 रुपए है। इनमें नगर निगम के अलावा सांसद और विधायक निधि से भी स्वीकृत विकास कार्य शामिल है। राधागंज एरिना जीर्णोद्धार के बाद नव श्रृंगारित हो चुका है जिसका निरीक्षण विधायक गायत्री अजय पवार ने किया। यहां पूर्व पार्षद बाबू यादव का स्वागत भी किया गया। इधर बिलावली के वार्ड क्रमांक 1 में मुक्तिधाम में शोक सभा के निर्माण का कार्य भूमि पूजन किया गया। यहां 15 लाख की लागत से यह कार्य पूर्ण किया जा रहा है। आवास नगर के D4 सेक्टर में सीमेंट कंक्रीट रोड का लोकार्पण भी किया गया। इसी तरह अन्य वार्ड में भी विकास कार्य की शुरुआत की गई। इस दौरान सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी उपस्थित थे। विधायक सांसद ने इस दौरान आवास नगर स्थित माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। लोकार्पण व भूमि पूजन के दौरान विभिन्न वार्डों में पहुंचे सांसद व विधायक का क्षेत्रवासियों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत भी किया। इस अवसर पर भाजपा नेता विजय पंडित, दुर्गेश अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह गोड़, भरत चौधरी, अंकित शर्मा आदि उपस्थित थे। आज आवास नगर में लोक उसका कार्यक्रम रखा गया है, भूमि पूजन का क्या है? भूमि पूजन तो हम करके गए थे इस रास्ते का, अब ये पूरा हो गया है तो लोकार्पण के लिए सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। माननीय सांसद जी हमारे साथ में हैं और इसी के साथ में मैं मानती हूँ ये हमारे पूर्व पार्षद हैं। अब इस एरिया में कुछ भी काम की गुंजाइश बची नहीं है, इसको 100% हमने विकसित करके दिया है। कितनी लागत से हुआ है? कितनी लागत? 11,15,000। आज एक सड़क का लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। 11,15,000 की लागत से इसे बनाया गया है और जिस प्रकार के विकास कार्य आवास नगर में हुए हैं, यहाँ पर प्रमुख रूप से जो आधारभूत सुविधाएं मिलनी थी वो सभी आधारभूत सुविधा से संबंधित कामों को करा दिया गया है। ये वार्ड एक आदर्श वार्ड की रूप में स्थापित हुआ है। राजमाता साहब के मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद से यहाँ पर खूब काम हुए हैं और यहाँ पर अब लगभग क्षेत्र की जनता एक सुविधा।